मन की बात रे ओडिसा रो राहुल आवर्जना सफा करी प्रधानमंत्री को द्वारा प्रशंसित स्वच्छता ही उत्तम स्वास्थ्य रो मूल मंत्र। मन की बात रे ओडिसा रो राहुल महाराणा को प्रशंसा रे शतमुख हेले प्रधानमंत्री मोदी। राहुल प्रति रविवार सकाळु विभिन्न स्थल को जाई सेठारे पड़ितिबा प्लास्टिक आवर्जना सफा करंती। ए पर्यंत से सह सह किलोग्राम ओजनर प्लास्टिक एवं अन्यान्य आवर्जना परिष्कार करी सारिलेनी। राहुल का एपरी कार्य स्वच्छता अभियान को सफल करिबा दिगरे एक बड़ दृष्टांत। देशर युवापीढ़ी स्वच्छता अभियान रे सामिल हेबार आवश्यकता रहिछि। एही परिप्रेक्षी रे ओडिसार राहुल महाराणा प्रकृतरे एक प्रशंसनीय कार्य करुछन्ति बोली प्रकाश करिछन्ति प्रधानमंत्री। एक और स्वच्छाग्रही है ओडिशा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वो अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मैंने ये कले मत तो भारी खुशी लगुच्छी किंतु ता भितर भी रोचे कौन ना एति खाली नुह मत खुशी लगे सहित मोर भी आगू को काम कर इंटरेस्टा बहुत बढ़ो आग को मत प्रोत्साहन मिल कम करने प्रेरणा नहीं कि कम आग को बहुत भलसे करी मुझे जब एकुटिया होकर वन टन करें जब मो सागर किए जॉन करके समस्त आसिक आम एकत्रित कर भल हम आंतु मैन ग्रुप्र रोलटा आम मानी बहुत आवश्यक। राहुल का भली महाराष्ट्र र नासिक रे मध्य जने स्वच्छाग्रही अछंती से हेउछंती चंद्र किशोर पाटिल। परिच्छन्नता प्रति तांकर प्रतिबद्धता खूब प्रेरणादायी बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। इस काम में चंद्र किशोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं। शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का ढेर लग जाता है जो लोग नदी में फेंकने के लिए लाए होते हैं। चंद्र किशोर जी का ये प्रयास जागरूकता भी बढ़ाता है और प्रेरणा भी देता है। भारतवासी लोकल रु आज ग्लोबल स्तर रे पहुंच छंती। देश एबे 40,000 कोटी रप्तानी लक्ष्य हासिल करिछि। एहा द्वारा भारतर सामर्थ्य आज पूरा विश्व सामना रे आसी पारिछि बोली 87 मन की बात कार्यक्रम रे कहिछंती प्रधानमंत्री। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन कभी 150 बिलियन कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। सही परी प्रधानमंत्री सुस्वास्थ्य पाई योग उपरे गुरुत्वारोप करिछंती। निकटरे पद्म सम्मान प्रदान उत्सव रे 126 वर्षीय बाबा शिवानंद का शौर्य एवं स्वास्थ्य देखि समस्ते आचंबित होइथिले। तांको स्वास्थ्य देशरे आलोच्य विषय पलटिछि। तांकर योग प्रति रहितिबा समर्पण भावना अत्यंत प्रेरणादायी। एहा सहित जल संकटर सफल समाधान किपरि कराजिव ताहा सूचित करिछंती। जल संरक्षण एहार अभावर उत्तम निराकरण बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। एप्रिल मासरे दुई जण विख्यात व्यक्तित्वंकर जयंती पालन करबाकु जाउछि देश। एही उभय व्यक्तित्व भारतीय समाज को गभीर भावे प्रभावित करिछंती। सेमाने हेउछंती महात्मा फुले एवं बाबा साहेब आंबेडकर। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम रे सिमानंक प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछंती। इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। अनेक संस्कृति भाषा एवं परंपरा रे भारत गौरवान्वित। विविधता ही आमको एकत्र करिछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है।